सब्सक्राइब कीजिए प्रिंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना तुरंत आपको मिले। आज आपके दो जान विधि से बात करना अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस 2019 2019 का जो सिलेबस चेंज हो गया है आपके उसके अकॉर्डिंग ये आपके दो जान विधि से आपको बात करना है। ये नाइन्थ क्लास में भी था आपके नाइन्थ में भी था और नाइन्थ में भी हम दो जांग विधि से भाग करना सीखा था। इससे पहले हमने जो पुराने सिलेबस से पढ़ाया था आपको वहाँ पे भी था। तो दो जांग विधि से आपको भाग करना है। जैसे दो जांग विधि से भाग किए थे तो आपने दो जांग प्लस विनकुलम का प्रयोग किया था। विनकुलम का मतलब होता है आपको जिसका भाग देना है उसका इकाई का अंक 5 से बड़ा आ जाए हम उसको किस में चेंज कर लेते थे विनकुलम में। लेकिन देखो यहाँ भी 5 से छोटा है और यहाँ भी 5 से छोटा है चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक अपनाओगे और ऐसा फॉर्मेट बनाओगे सबसे पहले। ठीक है सबसे पहला काम है ऐसा फॉर्मेट बनाना। ठीक है ऐसा फॉर्मेट बनाने के बाद आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ लिखना है इस जगह पे। अब लिखना क्या है आगे वाले दो नंबर तो लिखने हैं यहाँ पर ठीक है और पीछे वाला एक नंबर लिखना है यहाँ पर। ये जो आगे वाले दो नंबर है ये तो कहलाएंगे मुख्य अंक क्या कहलाएंगे और ये कहलाएगा दो जान क्या कहलाएगा। अब यहाँ हमने कितना अंक लिखा ए कितना अंक लिखा ए एक अंक है तो आपको लिखना है पीछे पीछे वाले खाने में इसमें से पीछे से एक अंक कितना दो लिखना है और बचे हुए नंबर लिखने हैं यहाँ पर 4, 5 और कितना 3। ठीक है अब देखो ये आगे वाला नंबर तो आता है भाग देने के काम क्या काम आता है और ये आता है बाकी करने के काम क्या काम आता है बाकी करने का। अब देखो आपकी किताब में अलग तरीके से दिया हुआ है तो आपको वेरी इजी जल्दी करना है सरल तरीके से करना है तो एक बार ही टेक्निक सीखनी है आप आसान तरीके से कर पाओगे। देखो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 पहले स्टेप 11 किस काम आएगा भाग देने के काम किस काम आएगा भाग देने। आप देखो 11 का भाग देंगे यहाँ से स्टार्ट 4 में तो भाग जाएगा नहीं भाग किस में देना पड़ेगा 45 में भाग देंगे किसका 11 का। अब भाग देने पर हमेशा दो चीजें आती है एक तो आता है भाग फल और एक आता है शेष फल। ठीक है एक तो आएगा भाग फल एक आएगा शेष फल एक तो आएगा भाग फल एक आएगा शेष फल 11, 4, 44 44 भाग कितनी बच गया 4 चुमटा शेष कितना बच गया 11, 4, 44 भाग कितनी बार गया 4 बार 45 में 44 घटाओ शेष कितना बच गया 1। अब जितनी बार भाग गया उसको लिखेंगे यहाँ पर जो शेष बचा अब देखो 45 काम ले लिया था उसको लिखेंगे यहाँ पर। अब आपके नया नंबर बनेगा क्या बनेगा आपके नया भाज्य बनेगा क्या बनेगा अब नया भाज्य बन गया ये वाला 13 कितना बन गया 13। अब इस नए भाज्य का करते हैं संशोधन क्या करते हैं 13 में से करना है माइनस क्या करना है 4 और 2 का गुणा क्या माइनस करना है 4 × 2 आप देखो 13 का तो 13 माइनस 4 × 8 13 में 4 गया कितना बच गया 5 कितना बच गया। अगर ये नंबर प्लस में आया ये नंबर किस में आया तो लेके आएंगे आगे अगर नंबर माइनस में आता तो प्रक्रिया कर देते कैंसिल। नंबर किस में आया प्लस में नंबर किस में आया आगे लेके आओ कितना है 5 दूसरा नंबर 5 है वही 5 में भाग देंगे किसका 11 का भाग फल भी आएगा शेष फल भी आएगा भाग फल भी आएगा और शेष फल भी आएगा। अब बताओ भाग कितनी बार जाएंगे जीरो बार कितनी बार जाएगा जब भाग नहीं जाए तो फिर कितनी बार देना है जीरो बार भाग कितनी बार गया जीरो बार शेष कितना बचेगा 5 ही बचेगा भाई भाग जीरो बार जाएगा शेष कितना बचेगा भाग फल तो लिखेंगे यहाँ पर और शेष फल देखो ये काम आ गया अब शेष फल लिखेंगे यहाँ पर नया भाज्य कितना बना नया नंबर बन गया 52 52 में से करेंगे माइनस 52 में से क्या करेंगे माइनस अब क्या माइनस करेंगे इसका और इसका गुणा दोनों गुणा 0 × 2 अब देखो 52 का तो 52 जीरो में से 2 घटाया मतलब 0 × 2 0 ये कितना हो गया 52
कितना हो गया? अब आगे कोई संख्या भी नहीं है, तो ये जो 52 बचा ये क्या बच गया? शेष फल। क्या बच गया? शेष फल। ये 52 आ गया आपके शेष। ये तो क्या है? बाग। और ये क्या है? शेष फल। आया सुनने? पहले इसको उतार लो, फिर अभी करते हैं। देखो इसका जो 13वां सवाल है उसमें भी आपको वही बात करना है दो जांग विधि से। अगर इकाई का अंक 5 से छोटा हो तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 5 से छोटा ही है, फॉर्मेट बनाओ ऐसा ही जैसा हम बना रहे थे, ये फॉर्मेट बनाना ऐसा, ठीक है। फॉर्मेट बनाने के बाद वो नंबर लिखना है। अब देखो बाघ किसका देना है? 42 का देना है ना। अब दो अंक है इसलिए 4 तो लिखेंगे यहाँ पर और 2 लिखेंगे यहाँ पर। ये तो कहलाएगा मुख्य अंक और ये कहलाएगा, ये तो आएगा बाघ देने के काम और ये आएगा बाकी करने के काम। अब देखो यहाँ कितना अंक लिखा हमने? 1। कितना अंक लिखा? 1। अब इसमें से पीछे पीछे वाला अंक लिखेंगे यहाँ पर, लिख लिया। अब बचे हुए अंक लिखेंगे बीच में, कितना है? 1, 2, 3 हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबर 1। मैंने क्या कहा था, ये किस काम आएगा? भाग देने के काम। अब भाग बताओ बेटा, 4 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, किसने देना पड़ेगा? 12 में। 12 में भाग देंगे किसका? 4 का। भाग फल भी आएगा, शेष फल भी आएगा। भाग देने पर हमेशा दो चीज आती है, एक तो आता है भाग फल और एक आता है शेष फल। बताओ 4 का भाग 12 में कितनी बार? 3 बार। 4 3 12। भाग तो 3 बार गया, भाग पूरी पूरी बार गया ना, तो शेष क्या बचेगा? 3 बार भाग गया तो शेष क्या बच गया? 0। बताओ बेटा भाग कितनी बार गया? 3 बार। यहाँ लिखेंगे शेष कितना बचा? 0। 12 काम आ गया था, यहाँ लिखेंगे। तो बताओ नया नंबर कितना बना? 3। नया नंबर बना 0, 3। क्या करेंगे? माइनस, संशोधन करेंगे ना, माइनस 3 और 2 का गुणा, 3 × 2। अब देखो 0, 3 का 0, 3, 3 × 2 कितना हो गया? 6। बताओ कितना बचा? माइनस का 3। संख्या किसमें आ गई? माइनस। अगर नंबर आ गया माइनस में तो प्रक्रिया हो जाएगी कैंसिल, प्रक्रिया हो जाएगी कैंसिल। नंबर प्लस में आना चाहिए तब जाके आगे लाना है, अगर नंबर माइनस में आ गया ना तो प्रक्रिया कैंसिल। अब इसको सही कैसे करेंगे? जैसे हमने भाग 3 बार दिया था, भाग कितनी बार देंगे? 2 ही बार देंगे। भाग 3 बार दिया था ना, भाग कितनी बार देंगे? 2 ही बार देंगे। तो यहाँ भी ये देखो 3 भी कैंसिल हो जाएगा और 0 भी कैंसिल हो जाएगा। अब वापस करेंगे नंबर एक दोबारा करेंगे वापस, ठीक है। अब बताओ बेटा 12 में भाग देंगे किसका? 4 का। भाग फल भी आएगा, शेष फल भी आएगा। अब बताओ भाग कितनी बार देना पड़ेगा? 2 बार। 4 × 2 = 8। शेष कितना बच गया? 4। 4 बच गया ना भाई, 4 × 2 = 8। 12 में से 8 घटाओ कितना बच गया? 4। भाग फल तो आया 2, शेष फल कितना आया? 4। भाग फल को लिखेंगे यहाँ उत्तर के स्थान पर, लिख लिया। और शेष फल को देखो 12 काम आ गया, शेष फल को लिखेंगे यहाँ पर। बताओ नया पाजी कितना बना? नया पाजी कितना बना? 42 में से करेंगे माइनस। बताओ क्या माइनस करेंगे? 2 का गुणा, 2 × 2। अब देखो 43 का 43, 2 × 2 कितना हो गया? 4। 43 में से 4 गया तो 39। संख्या किसकी आ गई? प्लस की। प्लस की आ गई तो लेके आएंगे आगे, माइनस की आती तो प्रक्रिया कर देते कैंसिल। प्लस की आई, आगे ले आओ नंबर 2। वही 39 में भाग देंगे किसका? 4 का। भाग फल भी आएगा, शेष फल भी आएगा, दोनों आएंगे। अब बताओ भाग दो, 9 चौका 36। 36 9 चौका 36 कितनी बार गया? 2 बार। 9 चौका 36। अब बताओ 39 में 36 गया, कितना बचा? 3। शेष कितना बच गया? 3। अब भाग फल 9 आया, वो लिखेंगे यहाँ पर। शेष कितना बचा? 3। ये तो काम आ गया, अब यहाँ लिखेंगे। तो बताओ नया नंबर कितना? 34 में से करेंगे माइनस, संशोधन करेंगे, क्या करेंगे? 9 और 2 का गुणा, 2 × 9। अब 34 का 2 = 34। अब देखो 9 × 2 कितना हो गया? 34 में से 18 घटाओ, 34 में से 18 घटाओ, कितना बचा? 16। कितना बचा? 16। संख्या किसकी आ गई? प्लस की। अब देखो लास्ट खत्म हो गया, तो ये क्या बच गया आपके? 29 तो क्या गया? 12। और ये क्या बच गया आपके? आया सुन में? माइनस में आते से प्रक्रिया कैंसिल करो और बार कम कर लो, ठीक है। उतारो फटाफट, अगला अभी करवाते हैं।
दो जांग विधि से आपको बात करना है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो मैंने बताया था अगर आपके जो भाग देना है, जिसका भाग देना है, मतलब तो भाग किसका देना है, 87 का, आप जिसका भाग देना है उसका इकाईकांक अगर 5 से बड़ा आ जाए, किससे बड़ा आ जाए, 5 से बड़ा, तो हम उसको विनकुलम में चेंज कर लेंगे। किसमें चेंज करेंगे, विनकुलम में चेंज करने का मतलब ये रहेगा कि आपके जो नंबर माइनस में आते हैं वो माइनस में नहीं आएंगे। अब देखो सबसे पहले करना क्या है, जो संख्या है, बताओ यहाँ 87 है तो इसको देखो 8 तो लिखेंगे यहाँ पर और 7 लिखेंगे यहाँ पर, विनकुलम में चेंज जैसे 9th क्लास में करते थे। पीछे वाले अंक को तो 10 में से घटाना है, किसमें से घटाना है, 10 में से, और उसके आगे वाले अंक के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा देना है। किसका चिन्ह लगाना है, एकाधिक चिन्ह, बताओ बेटा 10 में से 7 गए 3 और इसके ऊपर लग गया विनकुलम, क्या लग गया, विनकुलम, और जस्ट इसके आगे वाले नंबर पर एकाधिक, 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया, कितना हो गया, ये जो संख्या है इसका मान भी 87 है और ये भी 87 है। ऐसा चेंज करने से आपको इधर जो समस्या आती है माइनस की, वो माइनस की समस्या नहीं आएगी। अब देखो सबसे पहले बनाएंगे ऐसा फॉर्मेट, ऐसा फॉर्मेट, ठीक है, ऐसा फॉर्मेट बनाने के बाद सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, पहले खाने में, पहले खाने में वही है 14, पहले खाने में यहाँ तो लिखेंगे 9 और यहाँ लिखेंगे 3 बिल्कुल, जिसका भाग देना है ना वो लिखा देते हैं यहाँ पर, भाग देना है अपने को इसका, इसका भाग नहीं देना है, अभी इसका देना है, ये भी 87 है और ये भी 87 है, एक एक नंबर तो यहाँ लिखना है, बची हुए नंबर यहाँ लिख रहे हैं। अब बताओ यहाँ हमने कितना अंक लिखा, एक, कितना लिखा, इसलिए इस पूरी में से पीछे पीछे वाला अंक लिखेंगे यहाँ पर, लिख दिया, अब बचे हुए अंक लिखेंगे यहाँ पर 9 8 7 6, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब यहाँ पे देखो करना क्या है, ये वाला तो कहलाएगा मुख्य अंक और ये वाला कहलाएगा दोजांग, आगे वाला नंबर तो मुख्य अंक और ये क्या कहलाएगा, दोजांग, ये तो आता है भाग देने के काम और ये आता है बाकी करने के काम, माइनस करने का, ठीक है ना। अब देखो नंबर एक, 9 का भाग 9 में जाएगा, जाएगा 9 का भाग किस में देंगे, 9 में, जब हम भाग देते हैं तो दो चीजें आती है, एक तो आता है भागफल और एक आता है, एक तो आएगा भागफल, एक आएगा शेषफल। अब बताओ बेटा 9 × 9 कितने बार, एक बार, 9 × 9 भाग पूरी पूरी बार गया तो शेष कितना बचेगा, जीरो, शेष कितना बचेगा, जीरो। अब बताओ भागफल तो कितना आ गया, ये तो यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ, भागफल तो आ गया 1 और शेषफल भी कितना आ गया, शेषफल आ गया 0। तो जो भागफल आया ना उसको यहाँ लिख रहे हैं उत्तर के स्थान पर, ठीक है। अब जो शेष कितना बचा, जीरो, नौ काम आ गया, यहाँ लिखना है यहाँ। अब अगला जो बात ये बनेगा वो बनेगा 08, बताओ नया नंबर कितना बना, जीरो। अब 08 में से करना है माइनस, क्या करना है, माइनस, ये नया बाजे और नए बाजे का संशोधन करना है, माइनस करना है। अब माइनस क्या क्या बताया था मैंने अभी, माइनस करेंगे 1 और 3 का गुणा, क्या माइनस करेंगे, 1 और 3 का गुणा, 1 × 3 किसका, माइनस। अब देखो 8 08 का हो या 8 का हो एक ही बात है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 3 × 3 8 और 3 कितना हो गया, 11, कितना हो गया, 11। अगर नंबर प्लस में आया, नंबर किस में आया, प्लस में, तो लेके आएंगे आगे, अगर नंबर माइनस में आता तो प्रक्रिया कर देते कैंसिल, लेकिन आपके नंबर कभी माइनस में आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर इलाज कर दिया। 11 को लाओ आगे, नंबर 2, 11 में भाग देंगे किसका, 9 का, भाग फल भी आएगा, शेष फल भी आएगा, बताओ बेटा भाग कितनी बार, 9 × 9 शेष कितना बचेगा, 2 वही बचेगा ना, बताओ भाग कितनी बार गया, 1 बार, शेष कितना बच गया, 2, ये काम आ गया था। अब इसको लिखेंगे यहाँ पर, बताओ नया नंबर कितना बना, 27, नया नंबर बना 27, 27 में से करेंगे माइनस, बताओ क्या माइनस करेंगे, 1 और 3 का गुणा, लिखे थे ना 1 और 3, अभी 1 और 3 का गुणा, 1 × 3, अब देखो माइनस, देखो 21 27 का 27 माइनस माइनस गुणा हो गया, क्या हो गया, प्लस, 3 × 27 और 3 कितने हो गए, अगर नंबर आया प्लस में तो लेके आएंगे आगे, माइनस में आता तो प्रक्रिया कर देते कैंसिल, लेकिन कभी माइनस में आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने इलाज कर दिया। लाओ आगे नंबर 3, नंबर कितना है, 3,
30 में भाग देंगे वही किसका? नौ का। भाग पल भी आएगा, शेष पल भी आएगा। बता बेटा भाग पल कितना? 9 3 27 तीन बार। और शेष भी कितना बचा? 9 3 27 इसमें से पहले डाउन शेष भी कितना बचा? 3। बताओ भाग पल कितना? 3। शेष पल कितना? 3। ये काम आ गया था, यहाँ लिखेंगे। बताओ नया नंबर कितना? नया नंबर कितना बना? 36। कितना बना? 36 में से करेंगे माइनस। बताओ क्या माइनस करेंगे? 3 और 3 का गुणा। ये माइनस करेंगे ना? क्या माइनस करेंगे? 3 × 3। अब देखो 36 का तो 36 माइनस माइनस 3 तिया 9 जोड़ो कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 36 में 9 जोड़ेंगे 45। अगर नंबर आया प्लस में तो लेके आएंगे आगे, माइनस में तो प्रक्रिया कर देते, लेकिन माइनस में आएगा ही नहीं। तो नंबर 4, नंबर कितना है? 45। वही भाग किसका देंगे? 9 का। भाग फल भी आएगा, शेष फल भी आएगा। बता बेटा भाग फल कितना? 9 × 5 = 45। 5 बार जाएगा ना? 9 × 5 = 45। बाघ पूरी पूरी बार गया, शेष क्या बचा? 0। शेष क्या बच गया? 0। बताओ बाघ बल कितना? 5। यहाँ लिखेंगे शेष बल कितना? 0। यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना? क्योंकि ये काम आ गया था। बताओ नया नंबर कितना? नया नंबर कितना? 0 5। ये बना 0 5। इसमें से क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे? माइनस। बताओ क्या माइनस करेंगे? 5 और 3 का गुणा, 5 × 3। आप देखो माइ 5 का, देखो 0 5 लिखो, 5 लिखो, एक ही बात है। 5 का तो 5, माइनस माइनस प्लस, 5 3 15। 15 और 5 कितना हो गया? 20। नंबर किसका आया? प्लस का। अब देखो आगे कोई संख्या खत्म हो गई तो ये जो 20 बची थी इसको आगे नहीं लाना है। ये क्या बच गया आपके? शेष फल। ये तो आ गया आपके भाग फल, और ये क्या आ गया आपके? शेष फल। आगे सुनिए, आप देखो ध्यान दो, अबे अगला वाला, ठीक है? आप चुप हो जाओ, पहले बोर्ड पे ध्यान दो। केवल अब ये वाला, यहाँ पे भी आपको सेम यही करना है, ठीक है ना? पहले इसको उतारो, नेक्स्ट 15वां सवाल भी सेम ऐसा ही है। बताओ इसका सबसे पहले क्या करना है? जिसका भाग देना है, भाग इसका देना है। इसका इकाई का अंक देखें, इकाई का अंक 5 से बड़ा है तो इसको किसमें चेंज कर लेंगे? विन कूलम में, तो ताकि सवाल आसान हो जाएगा। अब विन कूलम में चेंज करने के लिए अंतिम अंक को तो किसमें से घटाएंगे? 10 में से। अब बच्चे आगे वाले जस्ट एक नंबर पर क्या लगा देंगे? एक आगे। बताओ 10 में से 9 गया कितना बचा? 1। और इसके ऊपर क्या लगाएंगे? विन कूलम लगा दिया, विन कूलम। जस्ट आगे वाले नंबर पर क्या लग जाएगा? एकाधिक। बताओ 7 और 1 कितना हो गया? 8। और ये भी कितना हो गया? 8। आगे सुनिए, देखो ये 889 है और इसका मतलब भी कितना है? 889 है। अब हम भाग इसका देंगे, ठीक है? ये विनकुलम में चेंज क्यों किया? क्योंकि संख्या किसमें आती? इधर माइनस में, तो ये विनकुलम में चेंज करने पर आपके माइनस में नहीं आएगी। अब बनाएंगे ऐसा फॉर्मेट, पहले समझ लो ऐसा फॉर्मेट, ठीक है? ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, बताओ कितना लिखेंगे? जिसका भाग देना है। बताओ भाग किसका देना है? इसका देना है। तो इसमें से 88 तो लिखेंगे आगे, 88 तो लिखेंगे आगे, और 1 लिखेंगे यहाँ, ठीक है ना? ये तो कहलाएगा मुख्य अंक, और ये कहलाएगा दो जान। ये तो आएगा भाग देने के काम, और ये आएगा बाकी करने के काम, ठीक है ना? अब देखो, अब लिखना है कौन से खाने में? तीसरे खाने में। यहाँ कितने अंक है? 1। यहाँ से पीछे, पीछे से 1 अंक कितना? 2। ये 2 लिखेंगे यहाँ पर। अब बचे अंक यहाँ लिखना है, कितना है? 2 है, 1 है, 0 है, 1 है, 5 है, 3 है, ठीक है? अब देखो मैंने क्या कहा था, ये तो आएगा बांध देने के काम, और ये क्या आएगा? बाकी करने के काम, नंबर 1। अब देखो 88 का भाग 2 में जाएगा क्या? नहीं। 21 में जाएगा क्या? नहीं। किस में देना पड़ेगा? 210 में भाग देंगे किसका? 88 का। भाग फल भी आएगा, शेष फल भी आएगा। अब देखो 88 का तो पाड़ा तो आता नहीं है, दो बार आएगा, गुणा कर करके देख लेंगे। 88 का भाग 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 2 बार। देखो 210 में भाग देंगे 88 का, 210 में किसका भाग देंगे? 88 का। तो 88 का दुगुना करोगे ना तो कितना होता है? 176। कितनी बार? 2 बार। यहाँ बच गया 4 और यहाँ बच गया 3, तो कितना बचा? 34। बता बेटा भागफल कितना? भागफल कितना आया?
दो, शेष फल कितना? इक्यासी का भाग 210 में 176 कितनी बार? दो बार, और शेष कितना बच गया? 34। अब देखो भाग फल को तो लिखेंगे यहाँ पर, और शेष कितना बता? 34। अब देखो 210 तो काम आ गया, काम आ गया ना, अब इस एक से पहले लिखेंगे 34, ये 34। तो बताओ नया नंबर कितना बड़ा? 341। कितना बड़ा? 341 में से करेंगे माइनस, बताओ क्या माइनस करेंगे? 2 × 1। क्या माइनस करेंगे? 2 × 1। अब देखो 341 का तो 341, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस माइनस क्या हो गया? 2 × 1 = 2। अब देखो इधर जोड़ो, बताओ कितना हो गया? 2 × 3 = 3। नंबर किस में आया? प्लस में, तो लेके आएंगे आगे। माइनस में आता तो प्रक्रिया कर देते नहीं, लेकिन माइनस में आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने इलाज कर दिया। तो लाओ इधर आगे नंबर दो, नंबर कितना है? 343। नंबर कितना है इसमें? देंगे भाग किसका? 81 का। भाग फल भी आएगा, शेष फल भी आएगा। अब बताओ भाग कितनी बार जाएगा? 81 का भाग 343 में कितनी बार जाएगा? 343 का भाग 343 में किसका भाग? अब गुणा कर करके देख लेंगे, चार बार में तो आपकी ज्यादा हो जाएगा, 8 × 32 और 352 आ जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार देंगे? दो ही बार देंगे। कितनी बार देंगे? दो बार, सॉरी तीन बार। कितनी बार देंगे? 8 × 24, 8 × 24 और 2 कितना हो गया? 26। बार कितनी बार गया? तीन बार। अब शेष क्या बचा? 13 में से 7 गए, 13 में से 4 गए तो 9, और 13 में से 6 गए तो 7, ठीक है, ऐसी बच गया। बताओ बेटा बार फल कितना? 3, और शेष फल कितना? 89, ठीक है। बाघ फल को तो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और जो 89 बचा उसको देखो, ये एक काम आ गया ना, अब यहाँ लिखेंगे यहाँ पर, तो कितना? ये 89, ये हो गया 89। थोड़ा इनको गैप में लिखना आप, ताकि ये आराम से यहाँ सेट हो जाए। तो बताओ बेटा नया नंबर कितना बड़ा? 795। किसमें से करेंगे माइनस? बताओ क्या माइनस करेंगे? 3 और 1 का गुणा। ये माइनस करेंगे 3 × 1। अब देखो 795 तो ऐसा कैसा है? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 3 × 3 = 3। तो नया नंबर तो बताओ कितना हो गया? 798। नंबर किस में आया? प्लस में, लेके आएंगे आगे। माइनस में आता तो प्रक्रिया कर देते, लेकिन माइनस में आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने इलाज कर दिया। नंबर 3, 798 भाग देंगे किसका? 81 का। बाघ फल भी आएगा, शेष फल भी आएगा। अब देखो बाघ देखे, इधर आराम से बाघ देना है, ताकि गलती नहीं हो जाए। ये हो गया आपके बाघ देना 81 का। अब देखो 81 का पाड़ा तो आता नहीं है, तो गुणा कर करके देख लेंगे। 9 बार 9 से गुणा करके देखो 81 को। 9 × 8 = 72, 81 = 7। 9 × 8 = 72, 72 + 7 हो गया 89। तो जाएगा बाघ? हाँ। बताओ कितनी बार? 9 बार, 792। बाकी करो कितना जाएगा? 6। बताओ बेटा बाघ कितनी बार गया? 9 बार। शेष कितना बच गया? 6। तो बाघ फल को तो लिखेंगे यहाँ पर, और शेष फल देखो ये काम आ गया, ये 5 काम आ गया था ना लास्ट टाइम। हाँ। तो बताओ यहाँ लिखेंगे 3 से पहले, ये अच्छा है यहाँ पर। तो बताओ नया नंबर कितना बड़ा? 63 में से करेंगे माइनस, बताओ क्या माइनस करेंगे? 9 × 1। क्या माइनस करेंगे? 9 × 1। देखो 63 का तो 63, माइनस माइनस 9 × 1 = 9। 63 में 9 जोड़ेंगे तो 72, 72 बन गया। नंबर किस में आया? प्लस में, लेके आएंगे आगे। माइनस में आता तो प्रक्रिया कर देते, लेकिन माइनस में आएगा ही नहीं, 72 को आगे। नंबर 4, 72 में भाग देंगे किसका? 81 का। किसका देंगे? भाग फल भी आएगा, शेष फल भी आएगा। अब बताओ 81 का भाग 72 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 0। पहले बता दो मैंने, अगर भाग नहीं जाता इनमें से नंबर छोटा जाए तो भाग कितनी बार देना है? 0 बार। तो भाग कितनी बार? 0 बार। भाग 0 बार गया तो शेष पूरा ही बचेगा, 72 ही बचेगा ना। भाग 81 का भाग 0 बार देंगे तो शेष कितना बचेगा? 72 ही बचेगा। तो ये शेष कितना बच गया? 72। बताओ भाग फल कितना? 0। शेष फल कितना? 72।
72 को लिखेंगे, देखो ये तो काम आ गया था, यहाँ लिखेंगे 72 को। तो बता बेटा नया नंबर कितना? 722। 722 का करेंगे माइनस, संशोधन करेंगे। बताओ क्या संशोधन करेंगे? किसका गुणा? जीरो का गुणा, 0 × 1। अब देखो 722 का 722 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। एक को जीरो से क्या तो जीरो, और 722 में जीरो जोड़ा तो 722। नंबर किसमें आया? प्लस में। लेकिन इधर आके संख्या कंप्लीट हो गई, 722 क्या बच गया आपके? ये तो आ गया आपके 12 फल, और ये आ गया आपके, आ गया समझे? उतारो